नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुणाल और आप देख रहे हैं आपका अपना क्लासरूम ज्ञान अभियान। चलिए आज इस वीडियो में सीखते हैं क्लास 10th के एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 7। यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। दिया हुआ है हमारे पास एक ट्रायंगल एबीसी और इसमें क्या रहा है कि ये पी क्या है, यहां लिख लेते हैं सॉल्यूशन। लिखेंगे गिवन ए ट्रायंगल ए बी सी इन विच पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ऑल्सो पी क्यू पैरेलल बी सी। हमें प्रूव करना है, टू प्रूव क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी और ए क्यू इक्वल टू क्यू सी। ए क्यू इक्वल टू क्यू सी या तो क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, इसका मतलब क्या ए क्यू इक्वल टू क्यू सी, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो अब यहां ले लेते हैं प्रूफ। इन ट्रायंगल ए बी सी पी क्यू पैरेलल बी सी, देयरफॉर क्या हो जाएगा, ए पी अपॉन में पी बी इक्वल टू ए क्यू अपॉन में क्यू सी। कैसे, बाय थ्योरम 6.1। ये कह रहा था ना 6.1 को अप्लाई करना है, तो ये 6.1 अप्लाई किया तो ये चीज हमारे पास आ गया, ये पैरेलल है, इसके कारण से ये क्या हो जाएंगे, इस तरह का चीज हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसके आगे लिखेंगे, तो एपी अपॉन में यहां पे अब दे रखा है पी इज द मिड पॉइंट, तो कहने का मतलब एपी अपॉन में बीपी है ना, पी इज द मिड पॉइंट। सो क्या हो जाएगा, एपी इक्वल टू पी बी, तो यहां पे अब हम इसमें लिख सकते हैं एपी अपॉन में एपी इक्वल टू ए क्यू अपॉन में क्यू सी, ये कट जाएगा तो वन, तो वन इक्वल टू हो जाएगा ए क्यू अपॉन में क्यू सी। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा ए क्यू इक्वल टू क्यू सी, तो ये चीज हमें लाना था ए क्यू इक्वल टू क्यू सी। सो क्या हो जाएगा, क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी और ये हो गया अप्रूव्ड। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन समझने में आपको बहुत ही आसानी हुई होगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।